बाबूजी उनसे कुछ सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि आप रात देर को आए कि सोने दो कह रहे थे। तो शास्त्री जी कहते हैं कि हाँ पिताजी, कि रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करने के लिए गए थे, गाड़ी तो फेक गाड़ी तो गेट के पास है, तो फिर किस पर गए थे? तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि इम्फला गाड़ी पर हम गए थे। ओ, आप तो इम्फला गाड़ी के शौकीन हैं, इस तरह से शास्त्री जी उनसे कहते हैं। और उसी दौरान देखिए वो अपने नौकर को बुलाते हैं, ड्राइवर को पूछते हैं कि गाड़ी कितनी घूमी है, आप लॉक बुक रखते हैं क्या? ड्राइवर ने जवाब दिया हाँ, तो लॉक बुक में देखिए कितने किलोमीटर गाड़ी घुमाई है। तो वो कहते हैं कि 14 किलोमीटर गाड़ी घुमाई है। अच्छा, तो लिख लीजिए कि निजी काम के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसा नोट करने के लिए वो अपने ड्राइवर को कहते हैं। उसी तरह अपने अम्मा को वो आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि साहेब को बुलाइए और उनसे कहिए कि 60 पैसे किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने के लिए वो उनसे कहते हैं। इसी तरह देखिए सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी बुरी तरह वो रोने लगते हैं, अपने पिताजी से वो कुछ कहते नहीं है और जोर जोर से फुटफुट कर रोने लगते हैं। इसी तरह देखिए सचमुच एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हमने हमारे सामने दिखाई देती है कि आज के ज़माने में बहुत से हमारे देश के नेता अधिकारी इन सभी गाड़ियों का इस्तेमाल खुद के निजी मामलों के लिए हमेशा करते हैं।